भारत तक अब नए अंदाज में। अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमाओं पर चीन क्या कर रहा है? मीडिया में सामने आती कई तरह की रिपोर्ट लोगों के अंदर घबराहट पैदा करती है। क्या वाकई में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में कोई घुसपैठ कर अपना कोई नया ठिकाना या गांव बना लिया है? इस बात को देखने सुनने के लिए खुद अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू पहुंचे भारत चीन की सीमा पर। वहां उन्होंने आईटीबीपी और सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की और ग्राउंड जीरो पर क्या है उसकी जानकारी दी। मैं वहां था मोनीगांव सेक्टर में, तो जो न्यूज़ में जो वायरल होके रखा था कि शियोमी डिस्ट्रिक्ट में चाइनीज़ इंट्रूशन आ गया एंड चाइनीज़ हैज़ विलेज बिल्ट सम विलेजेस इन शियोमी डिस्ट्रिक्ट, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ रिसोर्स सोर्सेज उस एरिया पड़ता है मनीगांव साइड में। तो वहाँ पे हमारा आईटीबीपी और हमारे आर्मी के साथ भी मैं वहाँ पे इंटरेक्शन किया और पता चला कि ऑन ग्राउंड जो हम लोगों का ऑक्यूपेशन में है उसमें वो लोग एंट्री नहीं हुआ है। जो भी डेवलपमेंट वो लोग किया है वो लोग उस पर अपना एरिया में ही किया हुआ है, एंड दैट इज एन कंफर्म सोर्स। सीएम पेमा खांडू ने चीनी घुसपैठ की खबरों को खारिज करने के साथ साथ ये भी बता दिया कि इस वक्त बॉर्डर वाले इलाके में किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में बॉर्डर को लेकर क्या तैयारी है और मोबाइल नेटवर्क्स की जबरदस्त कनेक्टिविटी के लिए आगे क्या प्लान है, इसकी भी जानकारी अरुणाचल के सीएम ने दी। Yesterday I went to Tato also, which is the district headquarter of Shiyomi district. So intentionally I went by road from Mechuka to Tato, which is around a span of 50 kilometers roughly. So Tato se leke Mechuka ka 3 packages mein divide kiya gaya hai and BRO is the executing agency. Ye EPC mode mein hai. And on ground do packages mein kaam start ho gaya hai, ek mein nahi hua hai. तो मैंने कल पब्लिकली कहा कि ये जो पेस जो काम स्पीड जो होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है और कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर का इक्विपमेंट्स भी ऑन ग्राउंड जो दिखना चाहिए, बहुत सारा मशीनरीज डेवलपमेंट करना होता है स्पेशली डबल लेन रोड के लिए, तो वो भी सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मशीनरीज भी काफ़ी कम है। तो मैं हायर अथॉरिटीज़ BRO के साथ में हम टेकअप करेंगे कि इसको स्पीड अप करने के लिए। सर, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए भी आपने कुछ 4G टावर्स की अनाउंसमेंट करी है, अभी कैसे यहाँ नेटवर्क आएगा सर? 4G का मैं मोनीगांव और वहाँ तातो में भी अनाउंसमेंट किया कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुल मिला के 980 4G टावर्स दिया हुआ है, तो उसका पूरा अभी मैपिंग चल रहा है और इसका टेंडर भी हो चुका है। आई थिंक एयरटेल कंपनी हैज़ गॉट द टेंडर, तो बहुत जल्दी वो सर्वे टीम भी यहाँ अरुणाचल में आ जाएंगे और जहाँ जहाँ नेटवर्क का रिक्वायरमेंट है वहाँ सब जगह 4G टावर्स अभी आ जाएंगे। वही जब वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने ये पूछा कि चीन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या आपको चीन से किसी तरह का डर लगता है, तो उनका जवाब सुन लीजिए। डर नहीं लगता है, क्यों बोलने से, क्योंकि हम तो अंदर में है, मेरा बाहर में गेट में तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट का 4G ITBP है, आर्मी है, दो गेट बॉर्डर है, तो वहाँ में पूरा आर्मी बैठा हुआ है, तो हम लोग कुछ डर नहीं लगता है सर, क्योंकि इतना हम लोग डर नहीं लगते। हमारा यहाँ से तकरीबन आजकल जो बॉर्डर तक बॉर्डर मतलब जहाँ फौज रहते हैं वहाँ में सिर्फ दो जगह में रोड पहुँचे है, पहले नहीं तो आपका हफ्ता भर बुक पैदल जाना पड़ता है चीन का बॉर्डर में, उससे हम लोग को कोई डर नहीं है। चीन अगर आने से भी हमसे क्या मतलब, हम अपना देश में अपने देश के लिए जान देने में कोई परवाह नहीं है। लोगों के इस जज्बे को सलाम है। वैसे भी जिस तरह से भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी है, अगर चीन आ भी जाए तो उसे बड़े झटके के लिए तैयार रहना ही होगा।